हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक ही दिन में बढ़ गए 25% तक मरीज, 30 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बुधवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 14,506 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में लगभग 25 अधिक है। वहीं इस दौरान 30 मरीजों की जान चली गई। बता दें, कल के आंकड़े में 11,793 मामले सामने आए थे और 27 मरीजों की मौत हुई थी। हालांकि बीते 24 घंटों में 11,574 लोग डिस्चार्ज भी हुए। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 99,602 हो गई है, जो कि कल की तुलना में 2,902 अधिक है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,25,077 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 874 नए मरीज। दिल्ली में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। यहां बीते 24 घंटों में 874 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से 4 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को जारी आंकड़े में 628 मामले सामने आए थे और 3 लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 3,482 नए मामले। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,442 मामले सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि आज कल की तुलना में 1,113 मरीज अधिक सामने आए हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,290 मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई। केरल में मास्क अनिवार्य। केरल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य ने मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मंगलवार को केरल पुलिस ने सभी जिले में पुलिस प्रमुखों को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जागरूक टीवी के लिए नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।